कल शाम देर गए नामालूम इस्लाह बरदारों के हाथों मारे गए उधमपुर के एक मजदूर दीपू कुमार के वैश्याना कत्ल के खिलाफ आज अनंतनाग में मेहंदी कदल से घंटाघर लाल चौक अनंतनाग तक एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जिसकी कियादत चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग इंजीनियर हिलाल अहमद शाह ने की। इस दौरान म्युनिसिपल काउंसिलरों के साथ साथ मुलाजमीन व आम लोगों ने भी हाथों में शमा जलाकर वाकये के खिलाफ पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। इस वक्त हम अनंतनाग के हिस्टोरिक जो लाल चौक है, लाल चौक हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद जमा हुए। हमने कैंडल मार्च यहाँ मेहंदी कदल से यहाँ लाल चौक तक निकाला। इसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि आज औरतें जो आप देख रहे हैं, माए बहने, यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे मिलजुल कर निकले हैं। मकसद यही है कि ये जो हमारे दीपू कुमार एक इनोसेंट किलिंग जो कल हुई है उनकी सॉलिडिटी के लिए हम यहाँ पर सारे ये कैंडल मार्च में निकले हुए हैं और हम स्ट्रांगली इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से इनोसेंट किलिंग हो रही है। देखिए, हमारा मानना यह है कि एक इनोसेंट का किलिंग आप करते हैं तो आपने सारी इंसानियत की किलिंग की। तो ये ऐसे जो वाकात है, ऐसे वाकात यहाँ पर नहीं होने चाहिए। हम इसकी स्ट्रांगली इसको कंडम करते हैं और हम इस वक्त इस मुसीबत में उस दीपू कुमार की फैमिली के साथ है। आप देखिए, उसका वो दीपू कुमार पानी लाने के लिए गया था परिवार के लिए, उसकी जो बीवी है वो बीवी प्रेग्नेंट है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका बाप जो है सुनने में आया वो सुन नहीं सकता है, भाई अंधा है। तो ऐसी फैमिली से आप देखिए सारे जो परिवार जो है वो बेसहारा हो गया। तो इसी में हम इसको स्ट्रांगली ऐसे जो ये कवर्ली जो डॉस्टिक जो टेरर अटैक हुआ है इसको हम कंडम करते हैं।